तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग बना रहे हैं जहाँ हम ड्यूटी करते हैं अपने प्लांट से। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगा। चलिए अब दिखाते हैं अपने काम के बारे में। अभी फिलहाल मेरा नाइट शिफ्ट है, जैसे आप पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा नाइट ड्यूटी हो गया है, तो अभी हम नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं। अब रात के 2 बज रहे हैं। चलिए अपने काम के बारे में थोड़ा शेयर करते हैं क्या करते हैं। आप जो ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये बैचिंग प्लांट है, M1 टाइप का और 1 MU कैपेसिटी का है। चलिए इसके बारे में दिखाते हैं कि इसको कैसे चलाते हैं और कैसे कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। तो बताते हैं, पूरा बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज पूरा ये मशीन के बारे में दिखाएंगे। दिखने में बड़ा है लेकिन इसका जो चलाना है बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता है, इसमें आदमी कोई काम नहीं करता है, सब रोबोट की तरह है, ऑटोमेटिक काम करता है सेंसर के द्वारा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप वीडियो देखेंगे खुद समझ जाएंगे कि हाँ कितना सिंपल है। प्लीज़ वीडियो क्लास जरूर देखिएगा और अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगा। हम ऐसे ही कुछ अलग अलग वीडियो डालते ही रहते हैं। तो चलिए इस मशीन के बारे में दिखाते हैं पहले। तो पहले इस मशीन से दिखाते हैं, फिर आपको केबिन में चलते हैं कि केबिन में कैसे ऑपरेट करते हैं इसको। ऑपरेट करने के लिए एक आदमी काफ़ी है इसको, तो चलिए दिखाते हैं। आप लोडर देख रहे हैं, लोडर में एग्रीगेट है, एग्रीगेट जो है वो हैपर में डालेगा अभी, और वो हैपर से होते हुए कन्वेयर बेल्ट के द्वारा वो एग्रीगेट बीन में जाएगी। वो जो एग्रीगेट बीन देख रहे हैं जहाँ पर वो धूरा धूरा उड़ रहा है, उसमें अलग अलग टाइप की एग्रीगेट होती है, जैसे 10 mm, 20 mm, बालू सैंड, तो उसमें जाएगी। और उसमें जो गाड़ी जो देख रहे हैं वो उसके ऊपर मिक्सर मशीन है, उसमें सेंसर के द्वारा आप जितना केजी चाहेंगे उतना केजी एग्रीगेट लेकर के, बालू लेकर के, पानी लेकर के, उसमें मिक्सिंग करके उस गाड़ी में जाएगी। वो गाड़ी जो है वो साइड पर जाएगी। और जो व्हाइट कलर का केबिन देख रहे हैं, वो केबिन में बंदा बैठ करके उसको ऑपरेट करेगा। अभी केबिन भी ले जाएंगे, बन रही है वीडियो में साइड का है ये सब, मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट बैठे हुए, बहुत सारा प्लांट है यहाँ पे। अब चलते हैं केबिन के पास भी। जो ऊपर बंदा बैठा है ना, वो मतलब एग्रीगेट को कंट्रोल करेगा। वो इसमें 2 बंदा चाहिए, एक टॉप पे जो बंदा देख रहा है वो एग्रीगेट को कंट्रोल करेगा कि कौन सा एग्रीगेट हमको किस में डालना है, जैसे 10 mm 10 mm में डालना है, 20 के 20 में डालना है। नहीं तो बंदा नहीं रहेगा तो अलग अलग टाइप का हो जाएगा ना, सब मिक्स हो जाएगा किसी जगह पर, इसलिए अलग अलग टाइप का हमको उसमें लेना पड़ता है। अभी चलते हैं केबिन की तरफ। ये है सिस्टम, ये सिस्टम में हम जितना पानी, जितना बालू, जितना गिट्टी सेट करेंगे ऑटोमेटिक उतना लेगी। जैसे सामने देख रहे हैं एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर 2, सिलिका, हम इसमें जितना सेट कर देंगे वो ऑटोमेटिक उतना ले लेगी, उतना मिक्सिंग करके वो गाड़ी में लोड कर देगी। हमें जितना MQ चाहिए उतना MQ भी सेट कर देंगे, उतना ही MQ लेती रहेगी। अब ये बगल में देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का बटन है, ये जो कंप्यूटर है ये तो ऑटोमेटिक चलाने के लिए है, और किसी कारणवश कंप्यूटर ख़राब हो जाती है तो जो बटन देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये मैनुअली चलाने के लिए। मैनुअली में क्या है कि हमको खुद से दबा के लेना पड़ेगा कि हाँ 100 लीटर पानी, 300 kg एग्रीगेट, इसीलिए वो बटन दिया गया है। कंप्यूटर जब ख़राब हो जाएगा तो ये मैनुअली चलाने के लिए है, बाकी ऑटोमेटिक चलती है, हम सिस्टम से हैं, सिस्टम जल्दी ख़राब होता नहीं है, लेकिन किसी कारणवश या मतलब इमरजेंसी के लिए दिया गया है वो बटन। ये जो आप देख रहे हैं बकेट है, ये बकेट जो है वो बिन से होते हुए नीचे से आती है, इसमें टोटल एग्रीगेट होती है, इसमें 10 mm 20 mm बालू टोटल होती है इसमें। ये जो आप देख रहे हैं यही बिन है, वो ये बिन में देखिए अलग अलग टाइप की एग्रीगेट है इसमें। देखिए वो जो बकेट है वो बकेट नीचे जा रही है, फिर उसमें ऑटोमेटिक वो लोड होकर चली जाएगी, जितना आप सेट किए रहेंगे ऑटोमेटिक। ये जो देख रहे हैं रोटेट हो रहा है कि हमको कौन सा 10 mm किस में डालना है, 20 mm, जैसे वो बालू हो गया उसके बगल में 10 mm हो गया, उसके जस्ट बगल में ये 20 mm हो गया, 40 mm हो गया। एग्रीगेट सब अलग अलग टाइप की है, हमें कितना लेना है एक बार ही हम कंप्यूटर में सेट कर देंगे, वो ऑटोमेटिक उतना लेते रहेगा। जैसे हमको 7 MQ लेना है, 7 MQ में कितना पानी सब सेट कर देंगे, ऑटोमेटिक वो लेते रहेगी जब तक 7 MQ पूरा नहीं हो जाता है। अब देख रहे हैं अलग अलग टाइप के प्लांट है, हर कंपनी के अलग अलग, ये मेरे कंपनी के हैं। ये जो आप देख रहे हैं 3 सेलो है, एक सेलो में 100 टन सीमेंट होती है, वो सीमेंट भी पाइप के द्वारा ही ऑटोमेटिक ही आती है, इसमें कोई आदमी नहीं निकालता है, ऑटोमेटिक मशीन में आप सिस्टम में जो दिखाएं और सिस्टम में सेट कर देंगे ऑटोमेटिक आती रहेगी। एक देख रहे हैं गाड़ी लोड हो रही है, गाड़ी लगी हुई है, देखिए जो गेट है उसी गेट से आती है। देखिए एक मतलब बकेट है, बकेट नीचे गया, अब इसमें अगर गेट लोड होगी ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी, आप इतना सेट किए हुए रहते हैं ऑटोमेटिक उसमें सेट रहता है और सेट होकर ऊपर चली जाएगी, जैसे बताया आप सिस्टम में सेट कर देंगे ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जब देख रहे हैं ग्रीन कलर का 3 पाइप देखिए हर सेलो में लगी हुई है नीचे से, उसी के रास्ते के द्वारा वो सीमेंट जाती है ऊपर, ये जो ग्रीन कलर का पाइप है इसी से सीमेंट ऊपर जाती है, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाती है। गाड़ी लगाने के लिए एरिया है तो आप देख ही रहे हैं, एक अंधे बिन है, बाकी स्पेस है करना, ये हम ही लोग का एरिया है सब टोटल, बिल्कुल आसान है ये।